हेलो दोस्तों, सिनेडिट मैजिक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो दोस्तों अभी आपने क्लिप देखा उसे जूम आइस इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। चलिए आए दोस्तों, देखते हैं इसको एडोब प्रीमियर में कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों आप अपना डाटा प्रीमियम प्रो के अंदर इंपोर्ट कर लेना, जैसे हमने कर लिया है। दोस्तों देखते हैं मेरा क्लिप कहाँ से ही। ये दोस्तों यहाँ से ये आँख ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों इन लगाएंगे, ओके, यहाँ से आउट, यहाँ तक मेरा क्लिप सही है दोस्त, ओके डन। इसको ला करके आपको अपने टाइमलाइन पे रख लेना है, हमने रख लिया है, ओके ओके डन दोस्तों। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल में, आपको दिखेगा इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जैसे आप जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आपको दिखेगा दोस्तों ऑफसेटी, ऑफसेटी के अंदर आपको लेना है क्रिएट मार्क्स। दोस्तों आप जैसे ये क्लिक करेंगे इस पर, दोस्तों आपका ये मार्क्स आ जाएगा। इसका फेदर हम बंद कर दे रहे हैं और आपको दोस्तों इसको कर देना है इन्वर्ट, ओके। अब उसके बाद इसको हम सेट कर लेते हैं, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इस आग को हम लोग ट्रैक करेंगे। तो आपको ऐसे जूम कर लेना है प्रोग्राम विंडो को, 200% हम जूम कर लेते हैं दोस्तों, ओके। अब दोस्तों एक एक फ्रेम आगे जाएंगे, पहले देखेंगे इनका आग कहाँ से ओपन हो रहा है। ये दोस्तों इनका आग यहाँ से ओपन हो रहा है, ओके। इसको सेट कर लेना है आपको अच्छे से, ओके दोस्तों हमने सेट कर लिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको मार्क्स पाथ ऑन कर लेना है। हमने मार्क्स पाथ इसका ऑन कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको एक फ्रेम आगे बढ़ना है और इसको ऐसे ट्रैक करना है, ओके। इन एक फ्रेम आगे बढ़ेंगे, फिर इसको ऐसे ट्रैक करेंगे, इन एक फ्रेम आपको आगे बढ़ना है, फिर ऐसे ट्रैक करना है आपको। दोस्तों आप एक चीज एकदम ध्यान रखें, आपको एकदम एक एक फ्रेम आगे बढ़ के इसको अच्छे से मार्क्स करना है, ओके दोस्तों। ये मेरा मार्क्स कंप्लीट हो गया। इसको दोस्तों क्या करेंगे, प्रोग्राम विंडो को सेट कर लेंगे, ओके डन। जैसे यहाँ तक हमने मार्क्स कर लिया दोस्तों, उसके बाद आपको एक फ्रेम आगे जाना है और इस क्लिप पे कट लगा देना है, ओके। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है, आपको दिखेगा ऐड फ्रेम होल्ड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फ्रेम होल्ड हो जाएगा दोस्तों। इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ से है तो यहाँ पर भी आपको कट लगा देना है दोस्तों, क्योंकि ये आप देख लें, ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्क्स ब्लैकपन जो आ रहा है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से ट्रैक करना चालू किया था तो यहाँ से नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर से मार्क्स हम रिमूव कर देंगे, ओके दोस्तों। एक बार इसको प्ले करते हैं, ओके, देख सकते हैं दोस्तों ये मार्क्स मेरा ट्रैक हो चुका है। अब इसको तीनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आपका जो दूसरा क्लिप है इसके नीचे ला करके रखना है। इस क्लिप को चेक कर ले कहाँ से सही है, ओके डन, यहाँ तक सही है। इसका ड्यूरेशन हम सेट कर देते हैं, डन, ओके दोस्तों ये मेरा वीडियो है। अब आपको जाना है दोस्तों इफेक्ट कंट्रोल के अंदर, जैसे आप इसके अंदर जाएंगे आप अपना नीचे वाला क्लिप सेलेक्ट करेंगे जो दोस्तों अभी हमने रखा है, उसको क्लिप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट कंट्रोल के अंदर दिखेगा मोशन, मोशन के अंदर दिखेगा पोजीशन एंड स्केल। जैसे दोस्तों आप मोशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये एंकर पॉइंट सब दिखने लगेगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको पहले अच्छे से आग पे सेट कर देंगे।
ओके दोस्तों, ये मेरा सेट हो गया। अब आपको करना क्या है, जो हमने ये वीडियो जो ये वाला क्लिप था इसको हमने होल्ड कर दिया था दोस्तों, ये एक इमेज बन गया है। तो आपको करना क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर देखेंगे मोशन, मोशन के अंदर आपको पोजीशन एंड स्केल का ऑप्शन दिखेगा। इसका टूगल एनिमेशन आपको ऑन कर देना है और स्केल का भी टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे वाला भी क्लिप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इसका भी आपको पोजीशन का टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है और स्केल का भी। ओके डन। उसके बाद अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम लोग ट्रैक करेंगे, एनिमेट करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों आपको एक फ्रेम आगे जाना है, उसके बाद आपको दिखेगा स्केल, स्केल हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लोग पोजीशन को ऐसे सेट कर देंगे, उसके बाद इसको नीचे कर देंगे। अब दोस्तों इस आँख में से वीडियो गायब हो गया, ये नीचे वाला था दोस्तों। इसी तरीके से इसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे, मोशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये एंकर पॉइंट दिखने लगेगा। ला करके ऐसे आँख पे रख लेना है आपको और थोड़ा सा इसे जूम कर लेना, क्योंकि दोस्तों इतना छोटा ये क्लिप हो गया है, इस वजह से दिखेगा नहीं। इसलिए आपको मोशन पे क्लिक करके आपको एंकर पॉइंट देख कर ही आपको इसको ऐसे सेट करना है। ओके, फिर दोस्तों ऊपर वाला क्लिप आपको सेलेक्ट करना है और फिर आप एक फ्रेम आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे स्केल को आपको जूम कर लेना है, फिर उसके बाद आप ऐसे इसको सेट कर लेंगे पोजीशन को और फिर इसको नीचे कर देंगे हम। ओके, उसके बाद नीचे जो दोस्तों पीछे वाला वीडियो दिख रहा है मेरा, दोस्तों एक फ्रेम आगे बढ़े हैं हम लोग और फिर आपको ऐसे इसको सेट कर लेना है नीचे, थोड़ा सा नीचे लेंगे और हल्का से इसको जूम कर लेंगे। दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप इसको एनिमेट करें, एक एक फ्रेम आपको बढ़ना है और इसको एकदम सही तरीके से आपको ऐसे सेट कर लेना है। ओके, अब नीचे वाला दोस्तों हम ऐसे सेट करेंगे। दोस्तों इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों बस इसी तरीके से आपको ऐसे ही ट्रैक करना है। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा मेरा ट्रैक हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये पूरा नीचे वाला वीडियो मेरा फ्रेम में सेट नहीं है, तब इसको अब सेट करेंगे हम लोग। दोस्तों इसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको ये जो स्केल दिखेगा इसको पूरा 100 कर देना है अब आपको। ओके, अब उसके बाद ये पोजीशन का आपको दिखेगा, जिसे हम लोग पैन कर रहे थे इसको कर देना है आपको 960। ओके, ये दोस्तों उसके बगल में आपको दिखेगा जो हम लोग अप और डाउन कर रहे थे इसको कर देना है 540। ओके, अब दोस्तों ये फ्रेम सेट हो गया मेरा। अब दोस्तों एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कैसा इफेक्ट बना है। ओके, ये दोस्तों डन हो गया इफेक्ट। अब दोस्तों इसके नीचे अपना साउंड इफेक्ट हम यूज करते हैं। ये वाला है, यहाँ से कट लगा। वह दोस्तों इसको अब दोस्तों एक बार इसे प्ले करते हैं। ओके डन। अब दोस्तों एक बार इसे फुल स्क्रीन हम प्ले करते हैं। ओके डन। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस इफेक्ट को कितनी इजी तरीके से हम लोग क्रिएट किए हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।